नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube के इस अनादर वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेन के बारे में, दर्द के बारे में, एवास्कुलर नेक्रोसिस के या आर्थराइटिस के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के या जॉइंट से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है उसके जो पेशेंट्स हैं उनको दर्द होता है और वो दर्द क्यों हो रहा है, दवाई के कारण दर्द बढ़ रहा है वो कैसे पहचाने, बहुत सारे क्वेश्चन एक पेशेंट के मन में होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, और मोस्टली जो वीडियो है वो एवीएन के पेशेंट्स के लिए है। एवास्कुलर नेक्रोसिस के जो मरीज होते हैं, जब उनकी ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है आफ्टर टेकिंग ओवर मेडिसिन, हमारी दवाई लेने के बाद जब ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो उस कंडीशन में दर्द भी बढ़ जाता है। ये 70% चांसेस इसके होते हैं, जो मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा या आप मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमने समझाया भी होगा आपको। अब ऐसी कंडीशन जब डेवलप होती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें एज अ पेशेंट डर लगता है कि कहीं ये बीमारी तो नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो क्योंकि आप यदि मेरे पेशेंट होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि दर्द यदि बड़ा है दवाइयों के कारण तो उस दर्द का सेंसेशन ही बहुत अलग होता है। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ टपक रही हो फीमर के हेड पर, कुछ चीज़ चल रही हो, रेंग रही हो, जलन हो रही हो, सुई चुभ रही हो, बहुत अलग अलग प्रकार के सेंसेशन अलग अलग प्रकार के मरीजों में देखे गए हैं। ठीक है, तो ये जो सेंसेशंस हैं जिसके साथ दर्द हो रहा है, इट इज़ अ वेरी पिक्यूलियर सिम्टम कि आपकी ब्लड सप्लाई स्टार्ट होने लग गई है। ठीक है, अब एक महीने से छः महीने के बीच में ब्लड सर्कुलेशन फ्लक्चुएशंस होते हैं, पेन फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, तो दर्द बढ़ना घटना चलते रहता है। मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि पेन, दर्द हमारे बॉडी का एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, मतलब एक प्रकार की भाषा है हमारे शरीर की। चाहे कुछ अच्छा होगा तो भी बॉडी में दर्द होगा, चाहे कुछ बुरा होगा तो भी बॉडी में दर्द होगा, है ना। अब अच्छा दर्द का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत हंसी आई, है ना, कुछ चुटकुला आपने सुना, बहुत हंसी आई, इतनी हंसी आई पेट पकड़ पकड़ के आप हंस लिए और हंसने के बाद अब पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी पेन है, ये हमारी बॉडी की लैंग्वेज है, जो बॉडी कुछ बताती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ था, अच्छा हुआ था बुरा हुआ था वो मैटर नहीं करता, कुछ हुआ था इसलिए दर्द हो रहा है। हमने कुछ टेंशन ले लिया, सिर दर्द होने लग गया। ठीक है, तो टेंशन के कारण शरीर को ये बताना रहता है कि आपको ये चीज़ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, तो कैसे बताएगा, दर्द के माध्यम से। उल्टा सीधा खूब सारा हमने खा लिया है, ठीक है, एसिडिटी हो गई, गैस बन गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी बॉडी हमें बताना चाहती है कि आपने कुछ ना कुछ खाया था इसलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दर्द जो है वो बॉडी की लैंग्वेज है, बॉडी की शब्दावली है। चाहे कुछ अच्छा होगा तो भी दर्द होगा, चाहे कुछ बुरा होगा तो भी बॉडी दर्द के माध्यम से ही बताएगी। दूसरी कोई भी टर्मिनोलॉजी, दूसरी कोई भी भाषा लैंग्वेज बॉडी को नहीं आती है। ठीक है, तो जब मेडिसिन स्टार्ट होती है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, तो भी बॉडी कुछ न कुछ बताएगी ना आपको कि अंदर कुछ तो हो रहा है, कुछ क्यूरेटिव हो रहा है, ट्रीटमेंट कुछ न कुछ तो चल रहा है अंदर। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगा तो कैसे बताएगी आपकी बॉडी, वो पेन के माध्यम से ही बताएगी। ठीक है, अब इसमें 70-30 का रेशो होता है, 70% पेशेंट को दर्द होता है, 30% को नहीं भी होता। अब आप कहेंगे कि 30% लोगों को क्या बॉडी नहीं बताती, उसकी लैंग्वेज नहीं होती, तो दोस्तों 30% जो पेशेंट होते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, उनकी जो फिजियोलॉजी है वो इतनी बढ़िया होती है कि बॉडी खुद ब खुद जो है अंदर उसको अडेप्ट कर लेती है, उसको खुद ही संभाल लेती है ना, उसको बॉडी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं, 30% ऐसे लोग हैं जिनको जब ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है तो दर्द नहीं भी बढ़ता है, रिकवरी शुरू से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों की बॉडी इम्यूनिटी, टेम्परामेंट, डायथिसिस बहुत बढ़िया होती है और मेडिसिन का जो असर है वो 100% उनको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रकार की चीज़ें हैं। मोस्टली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पेन बॉडी की लैंग्वेज है, है ना, उस लैंग्वेज को हमें काटना नहीं है, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो को कंक्लूड करते हुए यही बात कहूँगा आपको कि दर्द यदि हो रहा है
तो बॉडी को उसको सहन करने की थोड़ी आदत भी पड़ी है। उसको तुरंत दर्द हुआ, तुरंत पेन किलर ले ली, ऐसा कतई मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ में होगा क्या कि बॉडी को पेन हो रहा है और बॉडी की लैंग्वेज, उसकी टंग, उसकी जीभ क्या है जिससे वो बोल रही है, पेन, ठीक है। अब हमने पेन किलर लेते लेते उसकी जीवान ही काट दी, तो बॉडी को दर्द तो हो रहा है, हड्डी अंदर से सड़ी हुई तो है, पर बॉडी उसको बता नहीं पा रही है क्योंकि उसकी जीभ ही हमने काट दी। दर्द का जो सेंसेशन था वही हमने ख़त्म कर दिया पेन किलर और केमिकल्स लेकर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अंदर की बीमारी बढ़ेगी पर हमें बाहर पता ही नहीं लगेगा कि बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि बॉडी की लैंग्वेज, बॉडी गूंगी हो गई है ना, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, ठीक है। इसीलिए वो कुछ बोलेगी नहीं, आपको पता नहीं लगेगा। आप MRI एक्सरे करवाओगे तो आपकी बीमारी बड़ी हुई निकलेगी, समझ रहे हैं बात को। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि दर्द बॉडी की लैंग्वेज है, उसको ख़त्म नहीं करना है, हमें उसे क्योर करना है। और दर्द को, दर्द कैसे ठीक होगा इस पर ज़रूर ध्यान दें। दर्द जिस कारण से डेवलप हो रहा है उस कारण को ठीक कर दो तो दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। दर्द जैसे पेन किलर आप लेते हो ना, तो पेन किलर क्या करती है, उस कारण को ठीक नहीं करती। जिस सड़न की वजह से दर्द हो रहा है उस कारण को, सड़न को ठीक नहीं करेगी। जो सड़न हो रही है उसका जो सेंसेशन है दर्द का, वो जो ब्रेन को जा रहा है उस सेंसेशन को ब्लॉक कर देगी, है ना, कि हमें पता ही ना लगे। वायरिंग जो होती है ना वो कट कर देगी बीच में से, तो हमें सेंसेशन ही नहीं होगा बॉडी में कि कहीं दर्द हो रहा है, ठीक है। पर जैसे ही उसका असर कम हुआ फिर से दर्द का सेंसेशन शुरू हो गया। मतलब केवल जो हमारी मैसेज है, जो दर्द का मैसेज है, उस मैसेज के सिस्टम को काट देती है। पर दर्द तो होते ही रहता है, पेन किलर ले लिया, दर्द कम हो गया, पर फिर भी अंदर दर्द तो है, वो आपको नहीं पता लग रहा है क्योंकि आपने पेन किलर से उसका जो मैकेनिज्म था, उसका जो फ्लो था दर्द को बताने का ब्रेन को, वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है जहाँ पर अनटॉलरेबल पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द सहन करने को मिलता है, उस कंडीशन में आप पेन किलर ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर बहुत जल्दी जल्दी पेन किलर नहीं लेना है। कुछ छोटे मोटे दर्द में पेन किलर की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ों को सहन करने की भी आदत हमें डालनी होती है। हमारे मरीजों को हम ऑयल देते हैं जो बहुत स्पेसिफिक है, जो बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च से हमने बनाया है। उस ऑयल को आप लगाएं, गर्म पानी से, गर्म चीज़ों से सिकाई करें, आपको निश्चित ही दर्द में फ़ायदा ज़रूर होगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएँ, ऐसे लोगों को जिसको इन चीज़ों की नीड हो। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप केवल हमसे ही ट्रीटमेंट लें, किसी भी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, पर आपकी बीमारी को आप ज़रूर समझें, क्योंकि एक बार आपने बीमारी समझ ली तो आप आधे तो वहीं ठीक हो जाओगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।